हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आगे की एग्जाम की जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है और कहा गया है कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और यह परीक्षा होने वाली है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का जो प्रोसेस है उसको आपको जानना जरूरी है और क्या सिलेबस रहेगा, क्या संभावना हो सकती है कि सिलेबस में कुछ बदलाव हो, इसके बारे में भी हम एक चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि भाई सब इंस्पेक्टर के पद कितने पद यहां पर टोटल पद निकाले गए हैं और क्या इसके लिए विशेष तैयारियां आपको करनी होगी। तो यहां पर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर के जो हैं आपके पास 341, अगर टोटल पदों की बात करें 341 पदों में भर्ती की बात कही गई है। इस 341 पदों में अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो पद निकाले गए हैं वो उपनिषद सब इंस्पेक्टर निकाले गए हैं, जो है 278 पद। सबसे ज्यादा अगर संख्या की बात करें तो इन्हीं की है। इसके अलावा अन्य पद भी आप देख सकते हैं जो निकाले गए हैं, जिन्हें टोटल अगर हम करके देखते हैं तो 341 पद यहां पर होते हैं जिसकी वैकेंसी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जल्द ही निकाली जाएगी। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो जो पिछला जो एग्जाम हुआ उसकी प्रक्रिया को देखकर हम समझ सकते हैं कि वैसी जो एग्जाम का प्रोसेस है या एग्जाम का पैटर्न है वैसा हो सकता है। तो अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर का एग्जाम का पैटर्न क्या रहा था पिछले सालों में, तो यहां पर अगर हम देखें तो एग्जाम का पैटर्न जो रहा था उसमें हम देखें तो यहां सबसे पहले आपको शारीरिक माप प्रक्रिया में, जब चयन की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ते हैं तो जितने भी अभ्यर्थी यहां फॉर्म भरेंगे तो उनका सबसे पहले होगा शारीरिक मापदंड। यह बिल्कुल बेसिक तरीके पर होगा जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, ये सब बेसिक चीजें बस देखी जाएंगी। इसमें कोई भी आपका फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, इसमें दौड़ने भागने वाली चीजें नहीं होंगी, सिंपल आपका हाइट, चेस्ट, ये सब चीजें देखी जाएंगी। शारीरिक मापदंड में जितने भी अभ्यर्थी यहां पर सफल होते हैं उनको आगे के प्रोसेस में भेजा जाएगा और आपकी एक प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी। प्रारंभिक लिखित परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां पर आपको विषय ज्ञान होना जरूरी है। तो हम जान लेते हैं कि प्रीलिम्स का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें कैसा पैटर्न अपनाया गया था और क्या क्या सिलेबस में रखा गया था। तो यहां पर हम देखें जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको लगभग यहां पर 100 प्रश्न रखे गए थे, 100 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। 100 प्रश्न की अगर बात करूं तो हर प्रश्न में तो आपको 3 अंक दिए गए थे और 3 अंक के अनुसार यहां पर 300 मार्क्स का एक पेपर हुआ था, 300 अंकों का एक पेपर हुआ था। 300 अंकों की अगर हम बात करें तो इन अंकों में आपको बस क्वालिफाई होना है, ये क्वालिफाइड नेचर का एक एग्जाम लिया गया था जिसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। वहीं अगर हम देखें कि ये प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट रखा गया था और कितना मार्क्स यहां पर दिया गया था, तो सबसे पहला अगर सब्जेक्ट हम देखें तो वह था आपका इंडियन जीएस, भारत के सामान्य अध्ययन के बारे में यहां पर आपको प्रश्न किया गया था, भारत का सामान्य अध्ययन, ठीक है, भारत से संबंधित जितने भी आपके पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, इन सब से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो रखे गए थे प्रश्न अगर हम बात करें तो 35 प्रश्न रखे गए थे। वहीं अगर हम देखें कि अन्य जो सब्जेक्ट में, तो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल कर आता है वो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। तो हम बात करें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इसके भी आपको प्रश्न रखे गए थे और इसके भी अच्छे खासे यहां पर प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो लगभग आपके 25 प्रश्न यहां पर आपको पूछे गए थे जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के थे। थर्ड हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में देखें तो वह है आपका गणित या मैथ्स। क्लियर है। तो अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के आपको 10 प्रश्न पूछे गए थे, मैथ्स के 10 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप बिल्कुल बेसिक तैयारी, अगर आप मैथ्स की तैयारी कर ही रहे हैं या कंटिन्यूएशन में हैं तो आप आराम से ये प्रश्न बना सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा जो चौथा है वह है तर्क शक्ति या रीजनिंग। तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए थे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे 10 क्वेश्चन। क्लियर है। तो फिर से मैं आपको बता दूं हर क्वेश्चन में आपको 3 अंक दिए जा रहे हैं, 3 अंक। क्लियर है। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें रीजनिंग के बाद तो अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है लैंग्वेज का, और लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे वो हिंदी के हैं और हिंदी के आपको 10 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले थे। क्लियर है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास लैंग्वेज में, वो है इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा की भी प्रश्न की अगर बात करूं तो उसके केवल और केवल मात्र आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है। और लास्ट एक सब्जेक्ट जो इसमें था वह सब्जेक्ट था आपके पास कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की भी बात करें तो आराम से यहां पर आपको 5 क्वेश्चन जो दिए गए थे बिल्कुल आसानी से आप उन प्रश्नों को भी बना सकते हैं।
क्लियर है। तो इन अगर क्वेश्चन को आप टोटल करके देखें तो आपको 100 प्रश्न यहां पर दिखते हैं और इन्हीं 100 प्रश्नों को बनाकर आपको क्वालिफाई होना था, जिसमें आपको टोटल 300 मैक्सिमम मार्क्स यहां पर रखे गए थे। तो ये अगर हम बात करें तो जब आप शारीरिक माप आपका हो जाएगा, शारीरिक मापदंड हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स के एग्जाम के क्वालिफाई करने के बाद जो तीसरा चरण है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तीसरे चरण का जो अंक आपको मिलेगा, जितने भी मार्क्स आप यहां पर लेंगे या आपको प्राप्त होगा, वो मार्क्स ही क्या है आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। क्लियर है क्या? तो अगले चरण की अगर मैं बात करूं, जिसको हम मेंस कह रहे हैं, तो मेंस में ऐसा नहीं कि आपको रिटन एग्जाम लिया जाएगा, रिटन एग्जाम जैसा प्रोसेस नहीं था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका लिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में हम बात करें तो किस प्रकार का यहां पर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, तो देखिए यहां पर जैसे मैंने बताया प्रीलिम्स के एग्जाम में तो प्रीलिम्स का प्रोसेस तो आपने जान ही लिया, कितने सिलेबस क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। तो वहीं अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा की, जिसको हम मेंस का पेपर कह रहे हैं, तो मेंस के पेपर में सबसे अगर बात करें तो तीन पेपर प्रमुख रूप से सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास रहेंगे। तो तीन पेपर में हम देखें तो हिंदी और अंग्रेजी के जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके उसमें 200 अंक आपको प्राप्त होंगे। इसमें तो 200 अंक और 2 घंटे का समय रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी की अगर बात करें तो हिंदी के जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे तो हिंदी के लगभग आपको यहां पर हिंदी के 125 प्रश्न देखने को मिले थे और अंग्रेजी की अगर बात करूं तो अंग्रेजी का जो सिलेबस डिसाइड किया गया था उसमें 75 प्रश्न अंग्रेजी के रखे गए थे। फिर से मैं आपको बता देना चाहूं, यहां पर ऐसा नहीं है कि आप हिंदी भाषा को बस अपनी कमांड बना ली है तो आप इंग्लिश को छोड़ सकते हैं। देखिए आपको 200 नंबर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना मार्क्स हो सकता है वो लेने का प्रयास करना है और बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर तो अगला जो है पेपर टू होगा। पेपर टू की अगर मैं बात करूं तो पेपर टू जो है उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। इसमें ही आपको छत्तीसगढ़ जी के और इंडियन जीएस दोनों के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ही आपको इंडियन जीएस ठीक है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन भी पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन यहां पर भी आपको समय 2 घंटे प्राप्त होंगे और अंक जो है 200 अंकों का यह पेपर होगा। वहीं अगर बात करें पेपर नंबर थ्री भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जैसे आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो सीसेट का पेपर होता है, वैसा ही यहां पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें यहां पर आपको गणित और तर्क शक्ति के प्रश्न देखने को मिलेंगे। गणित और रीजनिंग यानी मैथ्स और रीजनिंग के आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। क्लियर? यहां पर भी आपके बाद बात करूं तो 200 अंक का यहां पर भी रहेगा पेपर और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहां पर अगर तीन पेपर की अगर मैं टोटल बात कर लूं तो यहां पर तीनों पेपर में आपको जो अंक लाने होते हैं वो मैक्सिमम अंक होते हैं 600 अंक। 600 अंक में जितना ज्यादा से ज्यादा अंक आप इसमें ले लें उतना बेटर होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन उतना ही पास नजदीक, आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो ये हो गया मेंस का एग्जाम, जो आपके लिए जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां तक हमने देख लिया कि यहां पर आपके पास तीन जो प्रक्रिया है, तीन प्रक्रियाओं की चर्चा हमने कर ली। एक शारीरिक माप के बारे में देख लिया, एक प्रारंभिक लिखित परीक्षा के बारे में देख लिया हमने और साथ ही साथ मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में भी हमने देख लिया। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो है शारीरिक दक्षता, क्योंकि भाई आप एक ऐसे पद में जाने वाले जहां पर आप शारीरिक रूप से सक्षम होने जरूरी है, तो आपका शारीरिक दक्षता का परीक्षा भी लिया जाएगा। तो यहां पर हम बात करें जो फिजिकल टेस्ट आपका होना है, फिजिकल टेस्ट में 300 अंकों का ये फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें अलग अलग इवेंट यहां पर करवाए जाएंगे। इन अलग अलग इवेंट की बात करूं तो 1500 मीटर दौड़ रखी गई है, 100 मीटर दौड़ रखा गया है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है और गोला फेंक, यानी 5 इवेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। और 5 इवेंट में अगर बात करें हमारे पास तो 5 इवेंट के आपको जो अंक रखे गए हैं वो कितने रखे गए हैं, 300। यानी हर इवेंट जो है आपके पास 60 अंक का रहेगा। हर इवेंट में आपको 60 अंक यहां पर लाने हैं, 60 अंक। ठीक है, तो क्या इसका कोई मिनिमम मार्क्स भी है? तो यहां पर आपको बता देना चाहूं 300 का आपको 30% लाना जरूरी है, एक मिनिमम नंबर आपको लाना जरूरी है। अगर इसमें आप कहीं पर भी फेल हो जाते हैं तो आप मेंस की परीक्षा में कितनों भी नंबर ला ले कोई मतलब नहीं होगा, फिजिकल टेस्ट आपको पास करना जरूरी है। और अगर जितने भी अंक अगर आप लेकर आते हैं तो वह अंक भी जुड़ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें मेंस की परीक्षा में आपने कितने अंक लेकर आए, मेंस की परीक्षा में यहां पर 600 अंकों का मेंस हो गया और ये फिजिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूं, फिजिकल टेस्ट में कितना हो गया आपके पास, 300 अंक यहां पर हो गए। और लास्ट जो जब आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, मेंस क्वालिफाई हो गया आपका,
यहां पर फिजिकल टेस्ट भी आपने निकाल लिया, तो फिजिकल टेस्ट निकालने के बाद लास्ट जो होना है वो क्या होना है, साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है मात्र 100 नंबर का होगा, और इस 100 नंबर को जब इंटरव्यू के नंबर्स को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल का टोटल जो एग्जाम का जो प्रोसेस है उसमें मिलने वाले अंकों की संख्या की बात करें तो यहां पर कितने हो जाते हैं, 1000 अंक। यानी 1000 अंकों में आप जितना ज्यादा अंक लेकर आएंगे वो सिलेक्शन की प्रक्रिया में आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है क्या? तो ये जितनी भी चीजें चर्चा अभी हमने की है तो मैं बता देना चाहूं, ये पिछले बार जो सब इंस्पेक्टर का जो प्रोसेस हुआ था, एग्जाम की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसी प्रक्रिया के आधार पर यहां पर इसको मैंने डिस्कस किया है। आगे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो 341 पदों के लिए, 341 पदों के लिए यहां पर जो भर्तियां लेने वाला है उसकी तैयारी में आज से ही आप क्या करें, जुट जाए। समय बिल्कुल वेस्ट ना करें। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो अगर बदलाव नहीं हुआ तो यही बिल्कुल जो सिलेबस हमने डिस्कस किया वही सिलेबस सेम आपको देखने मिलेगा, और किसी भी प्रकार का अगर बदलाव होता है तो उसकी भी चर्चा हम कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इसी प्लेटफॉर्म में करेंगे, और आपकी तैयारी बिल्कुल हम करवा के ही रहेंगे और सब इंस्पेक्टर बना के रहेंगे। क्लियर है? किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट को हम क्लियर करते चलेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।